नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यू वेलकम टू दिस शो। सत्यलॉजी यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी, नकली झूठ काल्पनिक उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। आप सबका हमारे लिए स्नेह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मालूम है हमारा यूट्यूब पे शोज काफी सप्रेस्ड है बाय द यूट्यूब फॉर वेरियस रीजंस। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए। तो विदाउट डिले लेट प्रोफेसर लता केडिया जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं तो वायु देवता भी प्रसन्न है, खूब शोर कर रहे हैं, देवदारू झूम रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर ऋषियों मुनि सब देवदारू के रूप में खड़े हैं, तो सब गदगद प्रसन्न है आपके विषय पर। तो मेरी आवाज में स्वर में थोड़ी समस्या हो सकती है, मैं कोशिश करूंगी पूरा जोर से बोलूं। आपके 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 पीछे सूर्य भी है, सूर्य देवता भी है, वायु देवता भी है, और वायु से बड़ा वेगशाली कोई देवता है नहीं, तो वायु वहां पे है। दर्शकों को बोलूंगा कि अगर आपको वायु की ध्वनि सुनाई दे रही है तो लिख दीजिएगा वायु देवता की जय, तो उतना ही काफी है। जी जी। तो आज पहले बताइए कि अब तो ये लग रहा है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही, प्रधानमंत्री है ही, तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या बदलने वाला है विश्व में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बदलने वाले पर तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो खास बात है, ये जो तीसरा टर्म मोदी जी का हो रहा है प्रचंड बहुमत से, इसका राजनैतिक तात्पर्य वैश्विक रंगमंच पर क्या है? अभी जो सो कॉल्ड 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन में, जो स्वयं बन गए हैं, इसमें तो पुतिन और शी जिनपिंग, एक्स कम्युनिस्ट, एक प्रेजेंट कम्युनिस्ट, ये तो सबको मार के काट के दबा के अपने सो कॉल्ड संविधान में परिवर्तन करके हैं। 3 बचा इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। एक टर्म के बाद दूसरे टर्म का संभावना नहीं रहता है, एक टर्म भी रोग आके निकालते हैं, और भारत के तुलना में जनसंख्या की दृष्टि से, वोटर्स की दृष्टि से टाइनी नेशन स्टेट्स है। मैं इनको टाइनी नेशन स्टेट कह रही हूं। यहां भी ये अपने मतदाताओं को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। और भारत में मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, इसके बावजूद कि भारत के उत्कर्ष के जो मित्र भी हैं, मित्र किस अर्थ में, जिनको भारत के उत्कर्ष में अपना लाभ है, जो अभी पिछला टॉक अपने लोग का चला है उसमें बताया था मैंने कि यूरोप अमेरिका सुख और शांति की प्रचंड कामना कर रहे हैं, क्योंकि विकल्प तो उन लोगों के लिए भूख, मार काट, नंगापन, महामारी और दुनिया भर का क्या क्या है मैंने विस्तार से बोला है। ये सब लोग भी यानी भारत के उत्कर्ष से लाभान्वित होने वाले भी, भारत के उत्कर्ष से हानि होने जिनको होनी है, ऐसे नेतृत्व भी, और न्यूट्रल तो फिर न्यूट्रल है। ये मोदी जी के इस तीसरे प्रचंड बहुमत का अपना पूरा ताकत लगाकर रोक रहे हैं। उत्कर्ष तो चाहिए, लेकिन कितना मजबूत उत्कर्ष, सामान्यतः साथी तो चाहिए, लेकिन साथी ऐसा जिससे बार्गेन कर सके, ऐसा साथी नहीं चाहिए जिससे बार्गेन ना कर सके, जो स्वयं बताए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो तीसरा उदय है, यानी एक प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में छोटा सा भारत,
छोटा भारत कौन, 15 अगस्त 1947 के बाद का नेशन स्टेट, इसकी लीडरशिप होने वाली है। ये बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। इस छोटे से नेशन स्टेट का, और ये छोटा नेशन स्टेट कितना बड़ा नेशन स्टेट है, आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र, मैंने आपके चैनल पर चर्चा शायद याद आ रहा है किया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जो 6 नेशन स्टेट हैं, 6 ताजे ताजे हैं, टटके टटके हैं, कल के बने हुए हैं, आर्बिट्रेरी हैं, आर्टिफिशियल हैं, इसलिए इलीगल हैं और इसलिए जा रहे हैं। 6 कौन बड़े, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, 3 हो गए आपके दोनों अमेरिका में, 1 ऑस्ट्रेलिया, 4, और एशिया में जो बड़े हैं, एक्स कम्युनिस्ट रशिया, प्रेजेंट कम्युनिस्ट शी जिनपिंग वाला PRC, ये सब भारत की विराट भूमि को के कारण बड़े बड़े हैं, सब इलीगल है। तो जो ये छोटा भारत है, छोटा भारत नहीं, ये जो छोटा नेशन स्टेट है जो 15 अगस्त 1947 को आया है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बर्मा नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, तिब्बत नहीं है, सिक्योंग नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, और भी बहुत कुछ नहीं है, ये वर्तमान विश्व का चक्रवर्ती सम्राट है। वर्तमान विश्व यानी 2024 से लेके 10, 20, 30, 40 अगला 50 साल का सबसे बलशाली, बल को मैं बाद में डिफाइन करूंगी, सबसे बलशाली नेशन स्टेट है। ये बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किंतु ये सब किसी के लिए भय का कारण नहीं है, सबके लिए सुख का, आनंद का, आशा का, आकांक्षाओं की पूर्ति का सपनों जैसा स्वप्निल स्वप्निल काल है। मोदी जी बार बार अपने भाषणों में स्वर्ण काल कहते हैं, भारत का स्वर्ण काल, नहीं नहीं, जब भारत का स्वर्ण काल है तो विश्व का स्वर्ण काल है। कारण 2024 के बाद धीरे धीरे समय समय भारत अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। भारत अपने स्वरूप को क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि भारत अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहा है। क्यों स्थित रहा है, क्योंकि यहाँ के सम्राटों ने, जिनको महात्मा कहते हैं, उन्होंने राजदंड को इस प्रकार से धारण किया है कि धर्मदंड अविचलित स्थिर रहा है। कब से कब तक, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। वो तो जब सत्योलॉजी पर आप अन्य विद्वानों को सुनेंगे तो कल्प मन्वंतर बताएंगे, मुझे बताना नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टिल 15 अगस्त 1947 तक आधे से अधिक भारत में उन भारतीय सम्राटों का शासन था जो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वाले राज्य व्यवस्था से संचालित थे। ये थे कब का है, ताजा ताजा टटका टटका। इसी को हटाने के लिए नेहरू, गांधी, चर्चिल एंड कंपनी आए, इसी को हटाने के लिए बाद में इंदिरा गांधी को प्रीवी पर्स लाना पड़ा। ये उसकी खोपड़ी का नहीं है, ये यही जो 5 बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इनके खोपड़ी का है। तो
और 15 अगस्त 1947 के बाद भी इस देह में और इस देह के परे भारत में लगातार धार्मिक तपस्या चल रही है। मैं जहां बैठी हूं हिमालय में, गिन नहीं सकते इतने देहधारी मनुष्य रूप, वृक्ष रूप, शिला रूप, अनेकानेक रूपों में निरंतर तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? धर्म के उत्कर्ष। ये धर्म का उत्कर्ष है। हम लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कामना कर रहे हैं, कम से कम भगवत भजन कर रहे हैं, कम से कम भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन सब के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी को 2014 में भारत में नहीं, विश्व ने एक राजनेता के रूप में पाया। लेकिन कैसा राजनेता? दुष्टता के, लंपटता के, राजधर्म के नाश के, तरह तरह के पाप, अधर्म, तमस के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा था, उस स्ट्रक्चर का शासक। 10 साल तो बहुत थोड़ा समय है उस स्ट्रक्चर की सफाई के लिए। अगला 10-15 साल भी बहुत थोड़ा समय है स्ट्रक्चर की सफाई के बाद। कैसा स्ट्रक्चर? पाप का, अधर्म का, तमस का, अनीति का, जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी सफाई के बाद सनई सनई धीरे धीरे धर्म तंत्र को स्थापित करने का। तो अभी कुछ दिन पहले शैलेंद्र भैया यहाँ आए हुए थे, चर्चा में उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों पर किसी से चर्चा कर रहे थे। तो तीसरा या चौथा लक्षण है धृति, धैर्य। जो धैर्यवान है वही धार्मिक है, वही धर्म का अवलंबन करता है, धर्म को धारण करता है, धर्म पथ पर आरूढ़ है। तो हम सबको धृति, धीरज, धैर्य को धारण करना है उसके लिए जो घटित होने वाला है। तो एक लाइन में मैं पहले कह दूं, ये स्वर्ण काल है धर्म के उत्कर्ष का, पाप के विनाश का, अनीति के नाश का। तो अनीति करने वालों का भी नाश होगा, पाप करने वालों का भी नाश होगा, ये अवश्यंभावी है। तो भारत के स्वर्ण काल में विश्व का कल्याण है। अब इस बात को समझने के लिए मैं करीब 25-30 मिनट ये बताना चाहूंगी कि जो वर्तमान है वो क्या है। इतना पाप, इतना अनीत, इतना तमस क्यों इकट्ठा हो गया है भारत में, और भारत में जितना इकट्ठा है उससे कई गुना अधिक यूरोप में है, अमेरिका में है, रशिया में है, चाइना में है, और मियां लोगों का जो क्षेत्र जिसको वो मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम भारत में बैठकर जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं, जहां पर भगवान राम ने तीर चलाया था, आदित्य जी ने बताया मुझे वाल्मीकि रामायण के संदर्भ को देते हुए कि जब लंका जाने के लिए भगवान सागर के तट पर बैठकर 3 दिन प्रार्थना करते हैं कि मार्ग दे दो, और वो मार्ग नहीं देता है, तो भगवान शर संधान करते हैं, तब सागर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मार्ग मैं दे दूंगा वगैरह वगैरह, तो आप ये शर संधान मत कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अब जो तुरुन से बाण आ गया ये कहीं तो जाएगा। तब जो स्थान बताया आदित्य जी ने, कहा वाल्मीकि रामायण में है ये, उन्होंने बताया, मैंने स्वयं उसको पूजा नहीं, देखा नहीं। तो वो जो जाकर गिरा वो जगह है जो आज मियां लोगों का जगह है। और प्रमाण क्या है? ये जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है ये क्या है? धरती में सब वृक्ष दब गए,
फॉसिल फ्यूल, इसका तो नाम ही है फॉसिल फ्यूल, तो आपने जो कहा उसका प्रमाण है ये शब्द फॉसिल फ्यूल, तो इन सब जगह अधर्म अनीति पाप ज्यादा है। तो अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं 20-30 मिनट लूंगी ये बताने के लिए कि गड़बड़ी क्या है और वो कैसे जा रही है। प्लीज बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कमेंट करूंगा कि जिन्होंने अमृत नहीं चखा उनको अमृत काल कैसे पता लगेगा। हाँ, तो उनको पता लगने की क्या जरूरत है, उनका तो ये मृत काल है ना। उनका थोड़े अमृत काल है, समुद्र मंथन में सब अमृत चख लेंगे तब तो हो गया कल्याण। पापियों का, अधर्मियों का, तामसिकों का, मूढ़ों का ये मृत काल है, अमृत काल तो थोड़े से लोगों का। खैर, तो अभी जो बात हम बता रहे हैं, एक बहुत भयंकर मिसकंसेप्शन है भारत में भी और चारों तरफ कि कोई 500 साल से यूरोप का उत्कर्ष है, यानी पोस्ट वास्को डी गामा और पोस्ट कोलंबस, यानी मोटा मोटी 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं, ये 500 साल इनका उत्कर्ष है। तो एक बात को बहुत संक्षेप में मैं स्पष्टता से बता रही हूं, 16 केवल इंग्लैंड का उदाहरण ध्यान में रखिए तो बाकी सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड इनका लीडर बताया जाता है। 16वीं 17वीं 18वीं मतलब 1799, इसके भी आगे चलिए 1850 1890 1899 1911 20वीं शताब्दी शुरू हो गई। ये कौन सा समय बताया जाता है इनकी पुस्तकों में, विक्टोरियन एरा, यानी विक्टोरिया जब इंग्लैंड में रानी बनी उसको ये विक्टोरियन एरा कहते हैं। वो शायद 1900 में मर गई, लेकिन ये 1911 तक को विक्टोरियन एरा कहते हैं। मैंने आदित्य जी के चैनल पर ये सप्तोलॉजी में 30 भाषण दिए हैं, जिसमें कोई 21 भाषण विक्टोरियन एरा पर है, इसका सार अभी हम बता रहे हैं। तो इंग्लैंड की जो हालत है उससे बहुत अधिक गई बीती हालत किसकी है, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, स्पेन की, पुर्तगाल की, बाकी जगह तो जन्म ही नहीं हुआ है, पिद्दी पिद्दी डेनमार्क, पिद्दीसा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड दुनिया भर के 46 नाम है। इंग्लैंड से बहुत खराब हालत है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इंग्लैंड की हालत को अगर हम लोग ध्यान दे लें तो बड़ी बातें साफ हो जाएंगी। 1911 तक पीने का साफ पानी इंग्लैंड वालों को उपलब्ध नहीं है, यानी पूरे यूरोप को नहीं उपलब्ध, यानी अमेरिका को नहीं उपलब्ध है, और जो जहां उपलब्ध है वहां कारण ये है कि अभी इनका सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इनका सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, यानी ये डेवलप्ड नहीं है, यानी इनकी अपनी शब्दावली में ये बैकवर्ड प्रिमिटिव स्टेज में है। तो नदियों में, झीलों में, सोतों में साफ सुथरा पानी है, तो जहां पानी है वहां इनके अनुसार ये पॉवर्टी स्ट्रिकन है, अनडेवलप्ड है, प्रिमिटिव है। अब दूसरा लीजिए, भोजन। पूरा यूरोप आप लोग आंकड़े चेक कर लीजिए, हम आंकड़े नहीं दे रहे हैं। 19वीं शताब्दी तक प्राइमरली पशुपालक समाज है। कैसे, वो कहते हैं ना इनकी जीडीपी जीएनपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन पशुपालन का है, कितना एग्रीकल्चर का है, कितना मैन्युफैक्चरिंग का है,
कितना ट्रेडिंग का है, कितना बैंकिंग और सर्विसेज का है। आप देख लीजिए 19वीं शताब्दी तक वो आंकड़े जो एंगस मेडिसन दे रहा है, वो जो मोटी किताब मैंने आप लोग को दिखाई थी आंकड़ों के खेल में, जिसमें वो स्वयं पहले पन्ने में कह रहा और एक तरह से दूसरा पन्ना नंबर से है कि साहब 19वीं शताब्दी का तो हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, और आंकड़ा क्यों नहीं है वो आंकड़ों के खेल वाले में मैंने बताया है। तो जहां उसका सेल्फ एडमिशन है कि पूरा यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 18वीं शताब्दी तक, कोई 19वीं तक, कोई 20वीं के प्रारंभ तक क्या है, आज जिसको इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी कहते हैं उसकी तुलना में पशुपालक है या खेतीहर समाज है। दो बात मैंने कहा, पानी नहीं है पीने को, भोजन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, रेल नहीं है। तुलना कब से कर रही हूँ 2024 से, तुलना कब से कर रही हूँ 1980 से, 1990 से, 1970 से, 1960 से, 20वीं शताब्दी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप और अमेरिका बने हैं उसी से उनकी तुलना कर ले तो वो प्रिमिटिव स्टेज में है, एक बात। दूसरी बात, जो ये थोड़ा बहुत इनके पास आया भी, वो आप लोगों के चैनल पर खूब चल रहा है, थोड़ा सा मैंने भी बताया अमेरिका का डाउनफॉल है, यूरोप का डाउनफॉल है, और ये करीब करीब सबकी जानकारी में है कि 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी 300 साल इन्होंने ठीक से लूटपाट की। ठीक से मतलब इनकी जितनी औकात थी उस औकात की तुलना में ठीक से लूटपाट की। जैसे पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, दूसरे की भूमि, दूसरे का धन, दूसरे का संपदा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये रशिया जो पूरा एशियन पार्ट में फैला है, चीन जो पूरा का पूरा सिक्योंग, तिब्बत, मंचूरिया, मंगोलिया फैला है, ये सब दूसरे का है। इन लोगों ने ठीक से लूटा। ठीक से लूटने के बाद पीने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं, सड़क नहीं, देह के लिए औषधि नहीं, कब तक? 19वीं समाप्त हो गया है, 20वीं शुरू हो गया है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा थोड़ा झलक मैंने कई भाषणों में दिया है, उस पर अलग से जब बाद में टॉक होगा दोनों वॉर पे तो अलग से करेंगे। रहने को घर नहीं है, कब तक? 19वीं शताब्दी समाप्त हो गई है, और इसके अलावा क्या है जो हम एशियाई, अफ्रीकी और दोनों अमेरिकी मूल लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो है इनके पास चर्च और ये जो मिया लोगों के पास सूडो इस्लाम। तो पहले हम यूरोप की चर्चा कर रहे हैं तो उस पर आ जाए। ये जो चर्च है, अर्नोल्ड टोइनबी के अनुसार 8वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में दिखाई देने लगा। 800 साल अर्नोल्ड टोइनबी गायब कर दे रहे हैं। इनके अपने अनुसार कोई 0 AD के आसपास कोई जीजस क्राइस्ट मसीहा जोसुआ नाम का कोई व्यक्ति है, इनकी कल्प के अनुसार, इनके कंस्ट्रक्ट के अनुसार अर्नोल्ड टोइनबी जो 20वीं शताब्दी का, इनके अनुसार इनका अपना ऑथेंटिक इतिहासकार है उसके अनुसार 8वीं शताब्दी के आसपास ये दिखाई देने लगे, और 8वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन के कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट चर्च के प्रीस्ट ने फोर्ज किया। एक बात, यानी 8वीं मान लो, 7वीं मान लो, 6वीं मान लो, इनका डार्क एज शुरू। अभी अमेरिका तो है ही नहीं, कनाडा है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं,
केवल ये पिड्डी सा यूरोप है, इनके अपने अनुसार चर्च के आते ही यूरोप का डार्क एज है। डार्क एज है माने क्या, इस पर ध्यान से सुनिए। सेंट्रल एशिया से और भी अन्य जिन क्षेत्रों से सनातन धर्मी लोग इन क्षेत्रों में जलवायु की अनुकूलता के कारण धीरे धीरे बसने लगे। कब से, वो ग्रीस, वो क्रेटे, क्रीति, वो रोमन, ये सब सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग थे। इनके बीच में ये चर्च, ये क्रिश्चियनिज्म, ये चर्चिज्म शुरू होता है और पूर्व की तुलना में यानी सनातन धर्म की तुलना में इनकी अपनी शब्दावली में इनका डार्क एज है। इनकी अपनी शब्दावली में 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं के आसपास में इनका इनलाइटनमेंट है। क्यों भाई 18वीं 19वीं में क्यों है, 16वीं 17वीं में 10-20 हजार गए मरे खपे, 50 हजार गए मरे खपे, लौट के आए वो शराब पी पी के मर गए। 16वीं 17वीं 18वीं 250 साल का लंबा संपर्क सनातन धर्मियों के साथ, कहाँ के सनातन धर्मी, इनका न्यू वर्ल्ड दोनों अमेरिका, इनका ओल्ड वर्ल्ड अफ्रीका और एशिया, भाषा भी यही प्रयोग कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह सनातन धर्म है। इन गधों को, इन मूढ़ों को, इन तमस में डूबे हुए लोगों को 200-250 साल लग जाता है मोटी मोटी बात तक पहुंचने के लिए। आप लिबरलिज्म पर पुस्तकें उठा के पढ़िए, मैं हिमालय में हूँ, यहाँ तो थोड़ी सी पुस्तकें हैं, भोपाल में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी। एनलाइटनमेंट और लिबरलिज्म को पढ़िए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़िए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़िए, रिवॉल्यूशन नहीं है, रिवोल्ट है, किसके खिलाफ, चर्च के पैशाचिक तंत्र के खिलाफ। और ये जो रिवोल्ट है ये किनका है, जो चर्च के द्वारा डीह्यूमनाइज्ड कर दिए। डीह्यूमनाइज्ड कैसे किए गए हैं, विषम यातनाओं के द्वारा। इस पर मैंने छुटपुट कुछ बोला है, विस्तार में नहीं बोली हूं, लेकिन जिनको सुनने का मन हो, मेरे को बताया गया है, अनेकानेक अमेरिकन चैनल है, कम से कम 2-4-5 हजार पुस्तकें हैं, 25-50 पुस्तक मैंने भी पढ़ी। तो विषम यातनाओं का बर्बर पैशाचिक मार काट अंग भंग, ये बताऊंगी थोड़ा समय, इसका सिलसिला चला सैकड़ों साल। लाखों स्त्रियां और पुरुष भी, बच्चियां भी, युवतियां भी और वृद्धाएं भी यातना के द्वारा मारी गई। टेम्पलर्स के साथ जो हुआ, चर्च के जो अनेकानेक शाखाएं हैं उन्होंने एक दूसरे को जो मारा कूटा, जिसको रिलीजियस प्रोजिक्यूशन कहते हैं। इसके कारण ये जो डीह्यूमनाइज्ड लोग थे, ये संसार भर में जब फैले हैं पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा, तो सनातन धर्म की साधना में रत कब से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो लोग थे, उनके लिए आज की भाषा में ये एक कल्चरल शॉक था, एक सिविलाइजेशनल शॉक था, जिसको यूरोप वाले कोलोनियलिज्म कहते हैं, हमारे लिए वो भौचक्का होना था। मनुष्य ऐसे पैशाचिक भी होते हैं, ऐसे पैशाचिक कर्म भी करते हैं, और ये भौचक्कापन से उबरते ही कान पकड़ के इनको बाहर कर दिया गया, जिसको ये कहते हैं
डीकॉलोनाइजेशन। शब्दों के अर्थ समझा रही हूं अपने पर्सपेक्टिव से और इनके पर्सपेक्टिव से। डीकॉलोनाइजेशन मोटा मोटी 1945 के बाद है, लंबा सिलसिला है, अभी भी चल रहा है। और इसी के साथ एक चीज और है जिसको ये कहते हैं नियो कॉलोनाइजेशन, और मैं कहती हूं वही खाता की जालसाजी जिस पर 419, 420, 406, 407 और धारा 467 और 68 का मुकदमा इन पर चलना चाहिए। भारत सरकार को लीगल नोटिस भेजनी चाहिए, और केवल भारत सरकार को नहीं, G20 में जिस ग्लोबल साउथ की बात सुनी, उस ग्लोबल साउथ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जालसाजी, डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी का ये मुकदमा करना चाहिए। मैंने एक ये मुकदमा किया था, इंस्टीट्यूशन का मामला था, तो ये कुछ धाराएं मुझे याद आ रही है, एक आध गलत भी हो सकती। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल एजेंसी के मार्फत जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला चला, वो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी करने के लिए भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वॉल्यूम को कलेक्ट करने, हैंडल करने की खोपड़ी यूरोप अमेरिका के पास नहीं है। ये मैं ठीक से समझा कर कह रही हूं, अन्यथा भाई तुम दुनिया से इतना मोटा, एक बार आदित्य जी ने बताया 60,000 टन सोना, आदित्य जी आपने बताया था कि 60,000 टन सोना अकेले दोनों अमेरिका से यूरोप के लिए गया, आधा आधा डूब गया, सिर्फ मैक्सिको से। अच्छा, सिर्फ मैक्सिको से 60,000 टन, तो दुनिया भर से पता नहीं कितना। तो भैया तुम 1970 में ही गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों नहीं मेंटेन कर पाए भाई, सब खा गए, क्यों नहीं कर पाए? अरे खाए तो पेट में थोड़ी गया, वेटिकन के गोल्ड में पॉटी तो निकलता, खाए होते पेट में जाता, पॉटी से निकल के कहीं पड़ा होता, पोप का सोना आपको डाइजेस्ट करेगी नहीं। यानी यू डोंट नो कौन यू, यू आर अ अमेरिका, और ये जो कम्युनिस्ट है ये यूरोप अमेरिका के सी ग्रेड लफंगे, ध्यान रखिएगा, परिहा जिसको ये प्रोलेटेरियट कहते हैं, इससे घिनौना कोई शब्द यूरोपियंस के पास नहीं है हिकारत का। तो यूरोप अमेरिका क्यों नीचे ढह गए भाई, तुम दुनिया भर को लूटे, तुमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, तुमने नियो कॉलोनियलिज्म के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, अकाउंट्स की हेरा फेरी जिसको एक्सचेंज रेट, टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं वो अन्य लोग बेहतर बताएंगे, इसके द्वारा ये तो सच है ना कि तुमने दुनिया के धन को मैनिपुलेट किया, तो क्यों तुम्हारी ये खराब हालत है? ये मैं बता रही हूं, खराब हालत का कारण है तुम्हारे पास वो भेजा नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कहां दिमाग एक व्यक्ति की नहीं, समाज की, राज्य की, कल्चर की, सिविलाइजेशन की, मानवीय स्मृति की, संस्थाओं की, इतिहास की, कहानियों की, कल्पों की, कविताओं की, सपनों की, सामर्थ्य नहीं है वैभव को, ऐश्वर्य को हैंडल करने का, आंकड़ों को हैंडल करने का,
साइज को। अब हाथ तो छोटा सा दिख रहा है, इतना बड़ा हाथ जो दिख नहीं रहा, मेरा ये कंधा देखिए। साइज को हैंडल करना तुमको नहीं आता है, तुम गाल बजाते हो। डाटा हैंडलिंग, कितने साल तुमने डाटा हैंडल किया है? 1960 के बाद आज तक 80 साल भी नहीं, 60 साल। 60 साल में भी क्या है तुम्हारे पास? गेस्टिमेट, कंजेक्चर्स, अपनी बात को फैला देना, दूसरे की बात को कम कर देना। तुमको इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम्हें बल नहीं है। बल आता कैसे? नहीं होना ही सहज और स्वाभाविक है। क्यों? अर्नाल्टो एम्बी 8वीं शताब्दी या 6वीं या 7वीं शताब्दी चर्च, क्रिश्चियनिज्म, चर्चिज्म, पोप, प्रीस्ट, बास्टर्ड, विचेस, दुनिया भर की चीजें, इनसे तुम आक्रांत हो भाई। तुम वैभव, ऐश्वर्य, ये तो तुम्हारा विश्व सोसाइटी के रूप में, संस्था के रूप में, राष्ट्र के रूप में, मानव समूह के रूप में तुम्हारा तो विषय ही रहा भाई। और जो कम्युनिस्ट है और जो मियां लोग हैं, ये तुम्हारी चर्च की जूठन है ना भाई, जूठन कह लो या चर्च की वोमिट है। ये तो हम सब लोगों को पता है कि पहले ये, चलिए छोड़िए इस विषय को नहीं लेते। तो जो हम आज बात कह रहे थे कि यानी आज जो चीज है वो क्या है, समस्या क्या है, जो ये तिरोहित होने जा रही है, जो भारत के नेतृत्व में यानी हमारे प्रतापी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विश्व का मंगल होने जा रहा है। क्योंकि ये जो 800 से 1800, 1800 से 2000, ये जो कालखंड है, ये तुम्हारे वर्णन में डार्क एज है, तुम्हारे वर्णन में इग्नोरेंस है, तुम्हारे वर्णन में पाप है, पैशाचिकता है, नृशंसता है, शुभ और श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तुम अपने को दुनिया को राजा बोलते हो, तुम्हारे ही वर्णन है तुमने किस स्केल पर नर संभार किया। तो ये जो अब इसको मैं 500 साल को समेट के 150-200 साल कर रही हूं, ये जो पिछले 150-200 साल का एक अभूतपूर्व विचित्र घटना हुई है, वो घटना क्या है? संसार से यूरो अमेरिकन ब्लॉक को संसाधनों का वन वे ट्रांसफर इन द नेम ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन और बहुत सारे नाम है। लेकिन ये वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एक मोटा शब्द है, ये वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज को पचाने का दम नहीं है चर्च के द्वारा डीह्यूमनाइज्ड यूरो अमेरिकन को। हिटलर ने जो जूस के साथ किया वो तो चर्च इन यूरो अमेरिकन, ईसाई क्रिश्चियन बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग के साथ तो 1001 साल किया। 1001 साल ऐसी पैशाचिक यातना जो समूह झेलेगा, वो समूह अन्यों के साथ क्या करेगा? पैशाचिकता ही करेगा। लेकिन जो पैशाचिकता यूरोप के क्रिश्चियंस ने अन्य क्रिश्चियंस के साथ किया,
वैसी पैशाचिकता ये अफ्रीका के स्लेव के साथ नहीं कर पाए। मैं ये बात अंडरलाइन 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 करके कह रही हूं, वैसी पैशाचिकता ये दोनों अमेरिका के मूल निवासियों के साथ नहीं कर पाए, वो वाइप आउट हुए मेनली बीमारियों के कारण, गोली से दाग दिए जाने के कारण। उनके साथ 10% भी वो नहीं कर पाए, दोनों अमेरिका के मूल निवासी और अफ्रीका का जो स्लेव ट्रेड हुआ है, एशिया को तो भूल जाइए, जो यूरोप के अंदर यूरोप वालों ने स्वयं के साथ किया, या ऐसे कहें क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियंस के साथ किया, या ये कहें कहने के बहुत तरीके हैं और सबके अर्थ भिन्न भिन्न आते हैं, जो चर्च वालों ने यूरोप वालों के साथ किया वो चर्च वाले दुनिया के किसी हिस्से में कभी भी नहीं कर पाए। तो जो चर्च की ताकत और यूरोप की ताकत को ऐसे बताते हैं मानो कोई भी दरिद्र दुष्ट डीह्यूमनाइज्ड मरे खपे कंगले लोग। मेरी बात को गंभीरता से संक्षेप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बात करूंगी, तो ये जो यूरोप अमेरिका है ये 1945 के बाद से तो दुनिया को बड़े और एडमिरेशन से देख रहा है। 1945 के बाद से क्यों? 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसी उड़ रही है, उसी का आवाज हो रहा था, वायु देवता प्रसन्न है उस टॉप पर। तो 1945 की दोनों लड़ाइयों में इनकी चटनी पिस गई थी। ये जो बेबी बूम है 60s का वो क्या है, ये मरे खपे लोग 2 मिनट का सुकून तलाश रहे हैं अपने पार्टनर के पास, और उस मोमेंट में भी इनका जो चर्च है वो कहता है ये जो स्त्री है ये चुड़ैल बन के तुमको ग्रस लेगी। अब ग्रसना बड़ा गंदा है, वल्गर है, वो एक एक एपिसोड में मैं विस्तार में बताऊंगी। तो ये जो यूरोपियन लोग हैं 1945 के बाद संसार को, भारत को, एशिया को, अफ्रीका को इसका एक मेजर सेगमेंट, कौन सा मेजर सेगमेंट, जो पिछले भाषण में मैंने कहा न्यू साइंस, पेगन मूवमेंट, इकोलॉजिकल वो डीप इकोलॉजी वाला मूवमेंट, वो विका फेमिनिज्म वाला मूवमेंट, वो ग्रीन वाला मूवमेंट, ये अपने प्रेरणा की तरह से विश्व को देख रहा है, और विश्व में भारत इनकी दृष्टि में वो देश है जहां प्रथाएं, जहां धर्मचक्र निरंतर प्रवाहित है, शिथिल होकर, थका होकर, थोड़ा विकृत होकर, थोड़ा उसमें काई जमी हुई होकर, किंतु एक जीवित रूप में वो दिखाई दे रहा है। इसी कारण भारत में सभी सभ्यताओं के लोग आ रहे हैं एल्डर्स समिट के लिए, और ये एल्डर समिट का मूल विचार दिया था रामस्वरूप जी ने आरएसएस को, और आरएसएस में पूजनीय सुदर्शन जी ने, ये अनेकानेक एल्डर्स समिट भारत में हो रही है। तो इस यूरो अमेरिकन ब्लॉक का
एक साइजेबल चंक जिसको अभी कुछ दिन पहले तक अल्टरनेटिव कहते थे या मेन स्ट्रीम नहीं कहते थे, जो मेन स्ट्रीम में कब आ जाता है कब मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाता है इस पर आज चर्चा नहीं है, क्योंकि आज के लिए एक साइजेबल चंक है जो भारत की तरफ सुख शांति और आनंद के लिए देख रहा है टकटकी लगा के। कभी इसको ईस्टर्न मिस्टिसिज्म कहता है, कभी इसको चक्रवर्ती कहता है, कभी इसको राजसूई कहता है, कभी इसको दर्शन कहता है, कभी धर्म कहता है, कभी ताओ कहता है, अनेक अनेक शब्द से ये कहते रहते, कभी अध्यात्म कहता है, लेकिन राजदंड कहने का बोध उनमें अभी नहीं आया है। भारत ये राजदंड ही धर्मदंड को अविचलित रखता है, ये बोध वर्तमान राज्यकर्ताओं में नहीं है, किंतु भारत में तो है, उन लोगों में है जो कल शायद भारत का राजदंड संभालेंगे। और एक चीज और ध्यान रहे, कोई भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है, वो लुप्त होता है और तपस्या से पुनः प्रकट होता है। तो तपस्या तो संपूर्ण संसार में निरंतर चल रही है, यूरोप भी सनातन धर्म की भूमि है, दोनों अमेरिका भी कम्युनिस्ट प्रभाव का क्षेत्र भी सनातन धर्म की भूमि है, वहां चीजें सनातन धर्म की साधना अदृष्ट है। किससे अदृष्ट है, किसको नहीं दिखाई दे रही है? ऑर्गेनाइज्ड मीडिया और अकेडमिया को। फ्रिडजाफ कापरा का नाम कौन नहीं जानता है, रूपर शिल्ड्रक का नाम कौन नहीं जानता है, जेम्स लवलॉक का नाम कौन नहीं जानता है, हमारे जैसे लाखों जानते हैं, गाया थीसिस के बारे में मेरे जैसे लाखों जानते हैं। तो 47 मिनट हो गया, मैं बात को कंक्लूड कर रही हूँ। पिछले 500 साल को हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। पहला 300 साल करीब करीब यूरोप के लोग मक्खी मच्छर का हैसियत भी यूरोप के बाहर के लोगों के लिए नहीं रखते। 19वीं-20वीं में ये डीह्यूमनाइज्ड बारबेरियंस की तरह अन्य लोगों को दिखते हैं, बड़ा मार काट नाश करते हैं, लेकिन इनके घर में वैभव छोड़िए खाने का दाना पीने का पानी नहीं है। जब इनका एकदम पिनेकल है, टॉप पे है, जो कुछ वहां दिख रहा है ये 1945 के बाद मार्शल प्लान के बाद का है, और सारे कुकर्म करके भी ये सुख शांति से जी नहीं पाए, दूसरे को दबा के जीना तो भूल जाइए। तो ये भारत का धर्म है, भारत के राजदंड का धर्म है, भारत के राज्य का धर्म है, भारत के सम्राट का धर्म है, संपूर्ण संसार में धर्म के उत्कर्ष के लिए कार्य करे, यानी मानव मात्र नहीं, भूत मात्र, जीव मात्र, महाभूतों के सुख शांति उल्लास और कल्याण के लिए काम करें। एक बार मैं रुक रही हूं, लगातार बोल के गला थक रहा है। आदित्य जी, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आपने बताया कि इनका जो पूरा अस्तित्व है, जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीजें इन्होंने
डॉक्यूमेंट्स के थ्रू फर्जी किया, फर्जीवाद किया। इन्होंने खुद के डॉक्यूमेंट्स बनाया, उस पे बिलीव भी किया और दूसरों को वो फर्जी डॉक्यूमेंट भेज दिए। मतलब अगर उन्होंने गलत हिस्ट्री लिखा तो दूसरों को बोला कि यही सही है और ये देखो डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत मूर्ख बनाया लोगों को। और जो दूसरे लोग जो थे जिनका कल्चर में था ट्रस्ट करना, उनको झूठ बोलना ही नहीं आता था, वो इनका डॉक्यूमेंट देख के बोलते थे शायद यही सच होगा। भारत के लोगों ने भी ऐसा माना, फिलीपींस में भी ऐसे ही हुआ, साउथ अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ। तो जो पूरा फर्जीवाद जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बहुत क्रिएट किया गया। अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो अभी हम लोग उसमें बिलीव भी कर रहे होते शायद। देखिए, बोनो का सामना हुआ जायंट से, यारा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, सामना किससे हुआ, जायंट से। तो जायंट को आपको एक कहानी याद होगी, लिलीपुट की, याद है? एक जगह है, एक बड़ा साथी गया, वहां नन्हे नन्हे लिलीपुट है, उसको छोटी छोटी कीले ठोक रहे, रस्सी से बांध रहे, याद आ रहा है? तो इनका जितना एकेडमिक्स है, जितना नरेटिव है, वो स्टुपिडिटी है। बोने को बोध नहीं है, जायंट बांधे नहीं जाते हैं। जायंट के समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है, पिद्दी 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 कहा चढ़े आ रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि जायंट जो है समाज, इसके सब लोगों को वहम हुआ, ना ना, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका के मूल निवासियों ने हरदम इनको छोटा भाई कहा, खुद को एल्डर कहा, संपूर्ण संसार में इनको हीन दृष्टि से कहा। भारत में तो वृक्ष कहते हैं, इनका छुआ पानी नहीं पीते। तो एक नन्हा सेक्शन हर समाज में मूड होता है, अपनी जड़ों से कटा हुआ होता है, अपने विश्वास से विच्छिन्न होता है, वो उसे प्रभावित होता है और ये स्वाभाविक है। और अगर हम अपनी वोकैबुलरी में देखें, शब्दावली में, धर्म अधर्म सुर असुर निरंतर टकराते रहते हैं। इस बार जो असुर टकराए, ये असुर कम थे, पिशाच ज्यादा थे। गनीमत ये थी कि ये नन्हे नन्हे पिशाच थे, इनके द्वारा किए गए विनाश को भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप आदित्य जी आइए स्क्रीन पर देखिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, आपसे बात कर रहे हैं। अगला, अब हम शुरू आ रहे हैं अपने अगला 15-20 साल। कल्पना, भारत जिस गति से बढ़ रहा है, जैसे अभी मोदी जी ने कहा भाई 400 तो हम अभी हैं, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को क्या बोलूं, 400 पार भी कहा ना। अगर सही आंकड़ों का कैलकुलेशन हो तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी जीएनपी है। क्यों भाई, पाकिस्तान भारत क्यों नहीं है, बांग्लादेश भारत क्यों नहीं है, नेपाल और तिब्बत भारत क्यों नहीं है भाई? गेटिंग माई पॉइंट? कल मैंने मोदी जी का एक पुराना कुछ सुनाया, पुराना नहीं नया था, वो ये कह रहे हैं जी मैं फिलिस्तीन गया तो जॉर्डन वालों ने कहा आप अपना हेलीकॉप्टर मत मंगाओ, हमारा हेलीकॉप्टर ले लो। तो मैंने हेलीकॉप्टर जॉर्डन का लिया और 6 इजरायली फाइटर जो होगा वो मेरे हेलीकॉप्टर को एस्कॉर्ट कर रहा था फिलिस्तीन जाने के लिए। ध्यान आया? अब राजा का मन है इधर जाए या उधर जाए। तो राजा अगला 20 साल क्या इंटरेस्ट है इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, पाकिस्तान रहे कि ना रहे। अब कौन सा जर्मनी को निपटाने के लिए ओटोमन तोड़ना है, जियोपॉलिटिक्स, अगले 25 साल का स्वर्ण काल। अब क्या इंटरेस्ट है कि एक बेहुदा फिजूल
झूठा अरब कॉन्शियसनेस खड़ा करें, तुर्की को भी अरबी कहें, मिस्री को भी अरबी कहें और तुर्की को अरब से बाहर करें, ये फर्जीवाड़े की क्या जरूरत अगर मोदी जी का आश्वासन जनमीन हृदय में बैठ जाए, हमको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमको कमाने खाने देगा। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर 20 साल, 15 साल, 10 साल, पुतिन भी मेरी समझ से 70 का हो रहा होगा, शी जिनपिंग भी 70 का हो रहा है। मन में तो अकेले बैठ के सोचेंगे, कुछ तो है जो इन भारतीयों को, इन सनातनियों को, इन हिंदुओं को संगठन आता है, 10 करोड़ 12 करोड़ वोट डलवा लेते हैं, डीप स्टेट, चर्च, राम जाने सोरोस, क्या 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 क्या, थम्पी मेजॉरिटी से जीत के आते हैं। ये मेरा दोस्त है, कौन? नरेंद्र मोदी नहीं, भाजपा, भाजपा नहीं, भारत। क्यों एक फोन से यूक्रेन और पुतिन दोनों बोलते हैं 4 घंटा रुके रहो, बच्चे निकल जाएं, जरूरत पड़ने पर ये आदमी पक्का है, ये सोसाइटी पक्की है, ये देश पक्का है, हमको मदद करेगा। कल्पना कीजिए अगला 20 साल, अभी अगले भाषण में हम विस्तार से बात करेंगे, एक जगह जहां शहर है, अब 20 साल वहां छोड़ दीजिए, 20 साल में जंगल बन जाएगा। प्रमाण बोरोबुदूर, अंगकोर वाट, अजंता, 20 साल में। तो यूरोप वालों ने जो नाश किया 20 साल, हम अपना पौरुष और पुरुषार्थ करेंगे, हम पुनः सबको छाया देंगे, पुनः। आप कौन है आदित्य? एक व्यक्ति, अपने देश में नहीं बैठे हैं, अपने घर में नहीं बैठे हैं और सत्यलॉजी चला रहे हैं, एक व्यक्ति, ये है सनातन धर्म का सामर्थ्य। ये सामर्थ्य जब राजदंड के नेतृत्व में चलेगा, हाथियों का काफिला होगा ना, इस जो मैंने पहला टॉक दिया, यूरोप अमेरिका सुख से जीना चाहते हैं, लीव अस एलो। तो आज के जो दो कंटक हैं, एक ये शी जिनपिंग वाला कम्युनिज्म, एक मियां लोग वाला मिडिल ईस्ट का झंझट, माइनस यूएसए कवर, कै मिनट के खेल है भाई ये, फिर अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, फिर हथियार छोड़ के चले आएंगे, कह देंगे कि हमारे यहां ये अटैक किया उस एक आदमी ने और वो अफगान में छिपा हुआ है, तो हमको अफगानिस्तान ठीक करना है, जाएंगे और फिर एक प्रेसिडेंट कहेगा खर्चा ज्यादा है, वापस चले आएंगे, दोनों का इलाज हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, आपने देखिए, आपने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ा, आप एनालाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही सीआईए एनालिस्ट ने बताया, कोई एक सीआईए एनालिस्ट थे एक अमेरिकन शो में, कि हम लोग वहां पे वेपन्स छोड़कर आए हैं, भाग कर नहीं आए, जरूरत पड़ेगा फिर चले जाएंगे, फिर तुम लोग लड़ो मरो आपस में, मेरा पिंड छोड़ो, हमारा दोस्ती भारत से, भारत तुम लोग को पहले लड़ मर के जगह थोड़ा बनाओ, फिर सलटाएगा, हम कहीं तो सुख चैन से जी ले।
यूरोप अमेरिका को क्या आवश्यकता है संस्कृत पढ़ने का, क्या आवश्यकता है हिंदी पढ़ने का, क्या आवश्यकता है तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, बंगला पढ़ने का। पढ़ के उन बूढ़ों को ये पता चला है ये भरोसे के लोग हैं, ये दोस्ती को निभाना जानते। अभी वो गधे इतना ही समझे हैं, उनकी समझ में कुछ लोगों के तो है, जो मैंने पढ़ा है उससे लगता है ये लोग हैं जिनको राज्य करना आता है। ये पृथ्वीपति हैं, ये विष्णु के अंश रूप में धरती को कंटक विहीन रखते हैं। धरती माता जो विष्णु वल्लभा है, साक्षात विष्णु के अंश रूप में, केवल भारत नहीं भाई, केवल भारत थोड़ी विष्णु वल्लभा है, बाकी धरती माता निराश्रित थोड़ी है, ये संपूर्ण धरती माता विष्णु वल्लभा है। इस संपूर्ण धरती माता का पालन पोषण करना भारत के सम्राट का कर्तव्य है। महाभारत के ट्रांसलेशन से उन यूरोप में कई गधों को ये जानकारी है। रामायण में जब भगवान राम वाल्मीकि को कहते हैं, बाली को कहते हैं, बाली कहता है मैं कौन अपराध में मारा, बोले हम रघुकुल है, रघुवीर है, जहां भी अनीति है, पाप है, दुष्टता है, अधर्म है, दंड देना, चाहे वन में है या महल में है, दंड देना हमारा धर्म है। सब रामायण बाचे हैं। जितने आर्कियोलॉजी वाले यूरोप वाले हैं, ये हर जगह इनको राम जानकी और लक्ष्मण जी मिले हैं। हनुमान जी पूरे यूरोप में विराजमान है। मैं आज मेरे इसी फोन में एक फोटो है, एक भाषण में मैंने चर्चा किया था देवेंद्र कैंथोला जी का, उन्होंने मुझे वो सिक्का दिखाया है, मैंने फोटो खींचा है, जिसमें वो बोल एक सिक्का है इंग्लैंड का, जिसमें एक स्त्री है सिंह पर बैठी है, हाथ में त्रिशूल है, अभी अभी हाल का सिक्का है। मैंने कहा काहे भाई प्रोटेस्टेंट चर्च के सिक्के पर सिंह पर सवार त्रिशूल धारणी क्या कर रही है। यूरोप सनातन धर्म की भूमि है, काहे प्रोटेस्टेंट चर्च साफ नहीं कर पाया भाई, ये चर्च पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। वो कहेंगे आप ज्यादा बोल रही हैं, अरे टिड्डी तक तो जंगल साफ कर देती है, मच्छर तक मलेरिया से पॉपुलेशन साफ कर देता है, कोरोना वाला वायरस तो आंख से दिखता नहीं था, इसको हाथी कहिएगा क्या। तो आज का समय 1 घंटा 3 मिनट हो गया, मैं अपने भाषण का सार कह दूं। सार मैंने ये कहने की कोशिश की, अभूतपूर्व घटना हो रही है पिछले 70, 80, 90, 100 साल की, 3 टर्म प्रचंड बहुमत, इसका मायने है वर्ल्ड लीडर इज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये सबको आश्वस्त करेंगे। यूरोप अमेरिका का पावर उनका बढ़ाया हुआ बताया हुआ है, औकात इतनी सी है, उस औकात वाले अब सुख शांति से जीना चाहते हैं, ये सहयोग करेंगे मजबूर होकर, और हम सबको सुख शांति देंगे। और भारत में क्या होगा और भारत के अगल बगल क्या होगा, आपने कहा ही है एक भाषण का समय आप और देंगे। और सुनिए मुझे सुनने वालों, इतना लाइक का बटन दबाइए, मैंने अन्य चैनल पर सुना है कि वो लाइक का बटन दबाने से फेसबुक वाले कुछ कुछ करते हैं, तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, इस काम को करिए लाइक और शेयर। बिल्कुल
हम भारत के नागरिकों को ये काम करना है और जम के करना है। और मैं तो ज्यादा YouTube जानती नहीं हूँ, लेकिन सत्योलॉजी के अलावा कहीं और ये सब हो रहा हो मैं नहीं जानती हूँ। हो रहा हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी देखूंगी। आपने अभी जब बात किया यूरोप का सनातनी का, तो हमारे बहुत महान ऋषि हुए हैं अत्रि ऋषि। अत्रि, अत्रि की तपस्या के स्थल है अस्ताचल। अस्ताचल स्विट्जरलैंड के आल्प्स को ही बोला जाता है अस्ताचल। अरे वाह वाह। तो महर्षि अत्रि का अस्ताचल है और उसी को अस्ताचल बोला जाता है। वो उनका शायद कनेक्शन टूट गया है, जुड़ जाएंगे अभी। मैं वेट करता हूं उनका। तो महर्षि अस्ताचल, अत्रि जो है अस्ताचल पर ही तपस्या करते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन होगा कि आप प्लीज को जरूर सब्सक्राइब करिए कुसुम्भ्रदा जी की, और इस वीडियो को वापस ध्यान से देखिए। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस समय जो हम लोग ये शो कर रहे हैं, ये आधी रात है, 1 बजे सुबह का मेरे लिए, तो थोड़ा वक्त में दिख रहा हुआ सोया हुआ सा, वो लॉन्ग डे था। तो आप लोग जरूर जुड़े, वो जुड़ गए हैं वापस। चलिए मैं वेट कर रहा हूं उनका। तो यही मैं आपको बता रहा था। हाँ मैं आप जो चले गए, तो मैं बता रहा था अस्ताचल में कि किस तरह महर्षि अत्रि का वो आश्रम है जी। और तो वो अत्रि ऋषि का आश्रम, अत्रि ऋषि जो है एकदम सफेद हैं, महादेव के जैसे, महादेव के भक्त हैं। तो महादेव भी कर्पूर गौरम करुणावतारम है, ये भी एकदम सफेद रंग के हैं। तो हमारे यहाँ सफेद और काले का कोई भेदभाव तो है नहीं, तो इसमें ऐसे दिखता है इनका। और जो सुखदेव गोस्वामी है, उनका रंग जो है गोल्डन कलर का है, गोल्डन चेहरे का रंग गोल्डन है, लेकिन महर्षि अत्रि एकदम सफेद रंग के हैं, सफेद एकदम। तो यही बता रहा था मैं। थैंक यू वेरी मच, आपने एजुकेट किया। हाँ, और थैंक यू। मुझे लगता है मैं ज्यादा ब्ला ब्ला कर देती हूँ क्या, थोड़ा कम बोलना चाहिए। नहीं, आप सही बोलती चली जाती। नहीं, आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। जी, और जी, मेरा सबसे ये होगा कि मैं ये भी बोलना चाहता हूँ लोगों से कि अपने अपने से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जरा रिस्पेक्ट ज्यादा करें आजकल, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत जगह हम लोग उनको इग्नोर करते हैं और उनसे हम ज्ञान नहीं लेते हैं। और ये जो नया पीढ़ी में जो एक्सपीरियंस, मतलब मुझे तो शुरू से सुनने की आदत है, क्योंकि मैं भागवतम क्लास सुनता रहता था, तो मुझे सुनने की आदत है गुरुओं को। और मैं लंबे 6-6 घंटे के लेक्चर्स मैंने सुने बैठ के, पालथी मार के बैठ के, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने यंग पीढ़ी को बोलूंगा कि आप भी सुनिए उनको, सिर्फ अपनी राय मत दीजिए। जस्ट बिकॉज आपके हाथ में सोशल मीडिया है, डोंट गिव देम ओपिनियन, ट्राई टू हियर, लिसन। जो अच्छा लिसन करता है, दैट पर्सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप जरूर सुनिए और कुसुम्भ्रदा जी को सुनिए, नोट्स बनाइए इनके लेक्चर्स पे, पूरी प्लेलिस्ट देखिए ध्यान से और नोट्स बनाइए। आई एम टेलिंग यू, यू लर्न सो मच कि आपको कोई यूपीएससी के एग्जाम में भी नहीं हरा सकता इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, जो भी आप पढ़ रहे हैं। सो विद दैट आई विल एंड द शो एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं बता रहा था दर्शकों की अभी यहाँ पे 1:12 हुआ है सुबह का, तो अब मैं यहाँ पे विराम लूंगा और फिर मैं आपसे सबसे मिलूंगा कल एक नए शो में। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार।